अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरा नाम हैदर है और हैदर व्लॉग्स में आपको खुश आमदीद। दोस्तों अभी मैं आपको अपने बाइक का घर दिखा रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा काम हो रहा है, मार्बल लगवा रहे हैं हम। ये मेन एंट्रेंस है, यहाँ पर सामान पड़ा हुआ है, ये मार्बल वगैरह की टाइल्स पड़ी हैं और इधर अंदर आपको दिखाता हूँ। अंदर ये बॉर्डर लगा रहे हैं, कह रहे थे कि पहले ये बॉर्डर लगा के फिर एक ही लेवल पे ये दो कमरे जो हैं और ये जो आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा है चारपाई के पास, ये स्टोर है, इसको एक ही लेवल पे ये बनाएंगे, इसलिए पहले बॉर्डर लगा रहे हैं इसका। अच्छा, इसमें थोड़ा सा इशू आ रहा है। इशू ये है कि जो गैराज का फर्श है वो थोड़ा सा ऊंचा कच्चा हुआ हुआ है, मतलब कंक्रीट उसका ऊंचा करके मिस्त्री ने डाला हुआ है। अब वो बड़ा मसला बन गया है, गेट खुलवा के उसको ऊंचा करना पड़ रहा है। चलो वो शाम को गेट वाला मिस्त्री बुलाएंगे और आपको दिखाएंगे कैसे क्या बनता है। काम बड़ा ख़राब हुआ है, पहले गेट लगा हुआ था नीचे, अभी ये ऊपर से ग्रिल कटवाई है, वहाँ से तकरीबन 3 इंच। उसकी वजह ये थी कि ये जो फर्श जो कच्चा हुआ हुआ है ये आपको नज़र आ रहा है, तो ये मिस्त्री ने थोड़ा सा 3-4 इंच ऊपर कर दिया था, उस वजह से ये गेट दोबारा खुलवा के और अब इसके जो कब्ज़े हैं वो थोड़े से नीचे करके लगेंगे ताकि गेट ऊपर लगे। ये ग्रिल वहाँ से तकरीबन 3-3, 4-4 इंच जो है वो कटिंग करवाई है। ये सरिये पड़े हुए हैं ग्रिल के, मैंने मार्बल वाले को कहा था कि आप कोशिश करो यहीं पे लग जाए, लेकिन वो कहते थे कि यहाँ पे लगाएंगे तो छोटा गेट जो अंदर की तरफ खुलता है वो नहीं खुलेगा, वो अड़ जाएगा। बड़े गेट का तो मसला नहीं था, उसमें थोड़ा सा गैप था, ये 1.5 इंच गैप था, उसमें मसला था छोटे गेट। ये अब गेट खुला पड़ा सारा, ये मिस्त्री साहब काम कर रहे हैं, वेल्ड वगैरह कर रहे हैं, दोबारा से खोल के उसकी जो बोलियाँ से कहती हूँ बोलियाँ से ये इतना फर्श ऊंचा हो जाएगा। गेट हमारा यहाँ पे आ रहा था, एक ये सामने घर बन रहा है, इसकी भी यही डाइमेंशंस है, 15 फीट इसकी चौड़ाई है और 65 लेंथ है। ये इंशाल्लाह आपको अगले व्लॉग में विज़िट करवाएंगे। गेट फिट करने लगे हैं ऊंचा करके, उसके
पैरे वगैरह लगा के। यार भाई ज़िंदगी का एक तजर्बा शेयर कर रहा हूँ, काम करवाएं तो अच्छे मिस्त्री से करवाएं, समझ वाले से करवाएं, नहीं तो सब कुछ ऐसा ही होता है, बार बार ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है चीज़ों को एक बार उखाड़ के दोबारा लगाना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो गया, 2 घंटे की एफर्ट लगी है सिर्फ और सिर्फ वो जो मिस्त्री आया था ये फर्श कच्चे करने, उसकी गलती की वजह से ये इनकी काफ़ी मेहनत हुई है इस पर गेट ठीक करने। पहले ये ग्रिल में गैप नहीं था ये वाला जो नज़र आ रहा है, अब इसमें गैप हो गया क्योंकि ये यहाँ से कटवाई है सारी, इसलिए